कैंडिड अमन कहानियों का स्मगलर। आज कोर्ट के पहले दिन आर्यमन, निवान और जागृति आ पहुंचे हैं निवान के कस्टडी केस के लिए। निवान के सामने जो कुछ हो रहा था वो उसे सिर्फ एक खेल समझ रहा था, लेकिन आखिर कब तक। निवान का केस आर्यमन की तरफ पलटते पलटते एक बार फिर से निर्मय की तरफ रुख कर चुका था। निर्मय ने बनाया जागृति को इस केस को जीतने का जरिया। तो आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में क्या हो रहा है। आर्यमन कार से बाहर आया और उसने निवान को अपनी गोद में लिया। निवान के चेहरे को देखकर आर्यमन को अगले पल जो होने वाला है उसे देखकर ही डर लग रहा था, लेकिन जागृति के चेहरे का कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल पर था। जागृति को देखकर आर्यमन को नहीं लग रहा था कि उसे इस बात का जरा भी डर है, जबकि सुबह ही जागृति आर्यमन से ज्यादा पैनिक हो रही थी। आर्यमन निवान के साथ आगे बढ़ा तो उसके गार्ड्स ने एक घेरा बना लिया। वहां मौजूद रिपोर्टर्स ने उन्हें घेरने की कोशिश तो की, लेकिन आर्यमन के गार्ड्स के मजबूत घेरे ने उन्हें आर्यमन और जागृति तक पहुंचने नहीं दिया। आर्यमन अपने गार्ड्स के घेरे में निवान और जागृति के साथ कोर्ट की तरफ आ चुका था। उसका कोर्ट रूम नंबर उसके लॉयर ने उसे पहले ही बता दिया था। निवान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो सब बड़े ही गौर से देख रहा था। अगले ही पल आर्यमन कोर्ट के रूम में आकर बैठ चुका था। लॉयर ने उसकी बातें सुनी और उसके बाद इधर सामने से निर्मय मेहरा भी आर्यमन को आता हुआ नजर आया। निर्मय मेहरा की नजरों में उसे एक इविलनेस नजर आ रही थी। आर्यमन ने निर्मय को गुस्से में घूरा। उसका बस चलता तो यहीं के यहीं वो निर्मय को गोली मार देता। आर्यमन की मुट्ठियां गुस्से में कस चुकी थी। जागृति ने आर्यमन के हाथ पर अपनी पकड़ बनाते हुए उसे शांत किया। निर्मय भी वहां आकर बैठ चुका था। उसके साथ उसका लॉयर भी वहां आ चुका था। निवान ने जागृति से दबे शब्दों में पूछा, मामी वो गंदे अंकल है? जागृति ने निवान के गाल को चूमते हुए कहा, अरे वाह, मेरा बेटा तो गेम में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुका है। हाँ बेटा, वो गंदे अंकल है। जैसे हर गेम में एक हीरो होता है, वैसे ही एक बैडमैन भी होता है। वैसे ही वो अंकल है, बैडमैन। कुछ ही समय में वहां जज आ चुके थे। सभी लोग खड़े हुए और अब जज साहब के कुर्सी संभालते ही कार्यवाही शुरू हुई। सबसे पहले निर्मय के लॉयर ने ही बोलना शुरू किया, जज साहब, जैसा कि सबको पता है, निवान मेहरा, जिसकी उम्र महज 4 साल की है, आज से 4 महीने पहले अपनी मां मिसेज आस्था निर्मय मेहरा को खो चुका है। उस समय से लेकर अब तक निर्मय अपने मामा मिस्टर आर्यमन मल्होत्रा और मामी मिसेज जागृति आर्यमन मल्होत्रा के साथ रह रहे हैं। उनके पिता मिस्टर निर्मय मेहरा तब से उन्हें 4 नोटिस उनके पते पर भेज चुके हैं। आज इस कस्टडी केस की पहली कार्यवाही है। तो जैसा कि सबको पता है, मेरे क्लाइंट मिस्टर निर्मय मेहरा बच्चे के पिता हैं। तो बच्चे की मां की मौत के बाद सबसे पहला अधिकार बच्चे के पिता का ही बनता है। अभी निर्मय के लॉयर ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि आर्यमन के लॉयर ने अपनी दलील पेश की। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। जज साहब ने अब आर्यमन के लॉयर को अपना पक्ष रखने की इजाजत दी, जिसके बाद आर्यमन के लॉयर केशव ने बोलना शुरू किया, निवान की कस्टडी के लिए उसके मामा और मेरे क्लाइंट मिस्टर आर्यमन मल्होत्रा ने बहुत ही स्ट्रांग ग्राउंड पर क्लेम किया है। मेरे क्लाइंट की बहन मिसेज आस्था निर्मय मेहरा निवान के पैदा होने से पहले ही अपने पति मिस्टर निर्मय मेहरा से अलग हो रही थी। वो अपने पति और मिस्टर शिवेन मल्होत्रा और माता मिसेज सारिका मल्होत्रा के साथ उनके घर में रह रही थी, जिसके पीछे का कारण था मिस्टर निर्मय मेहरा का चाल चलन। मिसेज मेहरा उनसे इसलिए अलग हुई थी क्योंकि उन्हें मिस्टर निर्मय मेहरा के चाल चलन से परेशानी थी। इसी वजह से उन्होंने कभी निवान को उनसे मिलने भी नहीं दिया। इस बीच निर्मय के लॉयर ने बीच में बोलना शुरू किया तो जज ने उसके ऑब्जेक्शन को ओवर रूल्ड कर दिया, जिसके बाद आर्यमन के लॉयर ने बोलना जारी रखा, जज साहब, मेरे क्लाइंट मिस्टर आर्यमन मल्होत्रा, जो कि काफी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक हैं, निवान को एक बेहतर और उज्जवल भविष्य देने की क्षमता रखते हैं। इतना कहते हुए आर्यमन के लॉयर ने आर्यमन के बिजनेस प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट जज साहब को हैंड ओवर कर दी, जिसके साथ ही उसने निर्मय के बिजनेस के डाउनफॉल के बारे में भी एक रिपोर्ट जज साहब को हैंड ओवर की। ये एक फाइनेंशियल ग्राउंड था। इसके अलावा निर्मय मेहरा के अफेयर्स और आउटिंग को लेकर आए दिन आने वाली खबरों के भी कुछ प्रूफ्स आर्यमन के लॉयर ने जज साहब को थमाए। अब तक तो आर्यमन को बात संभलती नजर आ रही थी। अब निर्मय के लॉयर ने जज साहब से इजाजत मांगी कि वो निर्मय मेहरा के बेटे निवान को कटघरे में बुलाना चाहते हैं उससे कुछ सवाल करने के लिए। इस बात को सुनते के साथ ही जागृति और आर्यमन दोनों के चेहरे पर परेशानी आ चुकी थी।
लेकिन इस बात को उन्हें मानना ही था। जागृति नन्हे निवान को अपनी गोद में लिए कोर्टरूम में बड़े से कटघरे की तरफ बढ़ चुकी थी। निर्मय मेहरा के लॉयर ने सबसे पहले जागृति आर्यमन मल्होत्रा से कहा, आप मिसेस जागृति आर्यमन मल्होत्रा? जागृति ने हां में सर हिलाया, जिसके बाद निर्मय के लॉयर ने निवान से पूछा, बेटा आपको पता है आपके डैड कौन है? उस लॉयर के इस सवाल पर निवान ने जागृति की तरफ देखा तो जागृति इस वक्त उसे कुछ भी कहकर उसके बयान को बदल नहीं सकती थी। जागृति खामोश थी। निर्मय के लॉयर ने एक बार फिर से निवान से पूछा, बेटा क्या आपको पता है कि आपके डैड कौन है? निवान ने नामे सर हिला दिया, जिसके बाद निर्मय के लॉयर ने निवान से कहा, बेटा आपकी मॉम की डेथ हो चुकी है और अब आपके पास सिर्फ आपके डैड हैं, तो क्या आप अपने डैड के साथ रहना चाहोगे? लॉयर का इशारा वहीं रूम में बैठे निर्मय मेहरा की तरफ था। जब निवान ने कोर्ट में बैठे निर्मय की तरफ देखा तो उसने निर्मय की बाहों को फैलते हुए देखा। निवान कोर्ट रूम में बैठे ही अपने पिता को अनजान नजरों से देख रहा था। ये सब देखा और सुनना आर्यमन की बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। आर्यमन तैश में आकर खड़ा हो गया, ये सब मैन्युपुलेशन है, निवान के दिमाग को मैन्युपुलेट करने की कोशिश की जा रही है जज साहब। जज के कहने पर आर्यमन को शांत होकर बैठना पड़ा। इधर लॉयर के सवाल अभी भी जारी थे, बताओ बेटा अगर आपको आपके डैड के साथ रहने का मौका मिलेगा तो क्या आप उनके साथ रहना चाहोगे? हर किसी के लिए उसके डैड हीरो होते हैं, ऐसे ही निवान के डैड भी उसके लिए हीरो हैं। बोलो बेटा। जागृति की पकड़ उस कटघरे पर कसती जा रही थी। वो भी अच्छे से जानती थी कि सामने खड़ा शख्स निवान के दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहा है। निवान ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं वो गंदे अंकल मेरे डैड नहीं है, मुझे उनके साथ नहीं रहना है, मुझे आर्य मामू के साथ रहना है, वो ही मेरे हीरो है, उसके अलावा कोई नहीं चाहिए मुझे। निवान की बात सुनने के बाद आर्यमन और जागृति की सांस में सांस आई। निवान को कई तरह से निर्मय के लॉयर ने समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार आर्यमन और जागृति के प्यार का पलड़ा भारी था। अब बारी थी आर्यमन के लॉयर के निवान से सवाल पूछने की। बेटा निवान, अभी उन अंकल ने आपसे पूछा कि क्या आप अपने डैड के साथ रहना चाहोगे, अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने मामा आर्यमन मल्होत्रा और मामी जागृति मल्होत्रा के साथ रहना चाहोगे? बताओ, बताओ सबको। निवान ने पलटते हुए जागृति के कंधे में अपना मुंह छिपा लिया और उसे कसकर थामते हुए कहा, मुझे मामा और मामी के साथ रहना है। आर्यमन के लॉयर ने ऐसा एक्सप्रेशन दिया जैसे केस क्लोज हो चुका है, लेकिन अभी निर्मय मेहरा का आखिरी दांव चलना बाकी था, जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। निर्मय मेहरा के वकील ने अब वो हथियार निकाला, जज साहब अभी हमारा पक्ष बाकी है। जज साहब ने उन्हें अपनी बात रखने के लिए कहा तो निर्मय के लॉयर ने सीधे जागृति के ऊपर वार करते हुए कहा, जज साहब मिस्टर आर्यमन मल्होत्रा निवान की कस्टडी को क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी वो इस सब का भार उठाने के लिए मेंटली फिट नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले मिस्टर आर्यमन मल्होत्रा मिसेस जागृति आर्यमन मल्होत्रा को मुंबई के सबसे बड़े साइकेट्रिक हॉस्पिटल में लेकर गए थे, उनकी कुछ फोटोज और वीडियोज हमारे पास अवेलेबल है। ये बोलते हुए निर्मय के लॉयर ने वो फुटेज और इमेज जज साहब को हैंड ओवर कर दी, जिन्हें जज साहब को दिखाया गया। आर्यमन को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि निर्मय ने ये सब प्लान किया है, उसने जागृति को इस सब का जरिया बनाया है। आर्यमन जैसे तैसे अपने गुस्से को पी रहा था। इधर आर्यमन के लॉयर ने जज साहब से कहा, जज साहब आजकल वीडियो और फोटोज को बहुत ही आसानी से बनाया या बिगाड़ा जा सकता है, तो ये किसी तरह के एविडेंस के तौर पर काम नहीं कर सकती। जज साहब ने आर्यमन के लॉयर की बात पर एग्री होते हुए कहा, फोटोज और वीडियोज को एविडेंस नहीं माना जा सकता जब तक इनकी जांच नहीं हो जाती। निर्मय के लॉयर ने जज साहब से कहा, जज साहब इन फुटेज और इमेज की जांच करवाई जा सकती है, ये एकदम सही है, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। आर्यमन का लॉयर आर्यमन की तरफ सवालिया नजरों से देख रहा था। आर्यमन को अच्छे से पता था कि ये सब उस दिन हुआ था जब आर्यमन जागृति को लेकर डॉक्टर अभय के पास गया था उसके पहले थेरेपी सेशन के लिए, लेकिन हॉस्पिटल जाने भर से ये साबित नहीं होता कि जागृति को आर्यमन ट्रीटमेंट के लिए लेकर गया था। आर्यमन के लॉयर ने निर्मय के लॉयर को क्रॉस करते हुए कहा, जज साहब किसी हॉस्पिटल विजिट का मतलब ये नहीं होता कि वो रोगी है, हो सकता है कि वो दोनों किसी से मिलने गए हों। इस सवाल के जवाब के लिए मैं अपने क्लाइंट मिस्टर आर्यमन मल्होत्रा को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। जज साहब की परमिशन के बाद अब आर्यमन को कटघरे में बुलाया गया। जागृति के चेहरे पर इस समय गुस्सा था, उसे पता था कि उसे पागल साबित करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह खुद आर्यमन ही है। इस एक गलती से आर्यमन ने अपने और निवान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है, वो अब उसे समझ में आ रहा है। आर्यमन कटघरे में आ चुका था, जिसके बाद आर्यमन के लॉयर केशव ने आर्यमन से सवाल करना शुरू किया, आखिर क्या होगा इस कोर्ट की हियरिंग का अंजाम, किस करवट लेगा इस केस का फैसला,
क्या सच में निर्मय साबित कर देगा जागृति को मेंटली इल, क्या परिधि को मिलेगी जीवनदान, इन सभी पहलुओं को जानेंगे कहानी के आगे के सफर में।